गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना लास्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले हम ये देखेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस है कितने। फाइव फंक्शंस हैं, आप लोगों ने एमओपी में पढ़ा हुआ है, सारा सेम टॉपिक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले तो ये है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये आप लोगों का इंटरडिपेंडेंट फंक्शन है सारे, कि अगर प्लानिंग के बिना आप ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजिंग के बिना आप स्टाफिंग नहीं कर सकते, और अगर आपने कुछ भी नहीं करा तो कंट्रोलिंग किस बेसिस के ऊपर करोगे। सो ये क्या है, आपके इंटरडिपेंडेंट फंक्शन हैं सारे। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है, जो आपने बेसिकली इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम जरूर बनाना जब भी आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आएगा। आप लोगों के पांच फंक्शन हैं, पर ये पांच फंक्शन कौन कौन से लेवल्स पे परफॉर्म करे जाते हैं, इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि पहले जो दो फंक्शंस हैं आपके, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये हमेशा टॉप मैनेजमेंट परफॉर्म करती है। जो आप लोगों की चीज़ों को उन्होंने क्या करना है, डिज़ाइन करना है, पॉलिसीज़ को फ्रेम करना है, या ऑर्गेनाइजिंग में हम बोल सकते हैं कि अगर उन्होंने रिसोर्सेज को लेके आना है, ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, ये सारा डिसीजन कौन लेने वाला है, टॉप मैनेजमेंट लेती है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो दो फंक्शंस हैं, पहले दो फंक्शन वो टॉप मैनेजमेंट परफॉर्म करती है। उसके बाद आपका आता है स्टाफिंग। तो कहते प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग तो टॉप मैनेजमेंट ने करी, तो जो आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं, स्टाफ को अपॉइंट करते हैं ताकि उनको आगे डायरेक्ट कर सके और लास्ट में जो है कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म कर सके। कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या आता है कि जो भी आप लोगों ने एक्चुअल यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट ने परफॉर्म जो है उन्होंने स्टैंडर्ड सेट करे थे, और यहाँ पे आप लोगों ने उनको क्या करना है, विद एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर करना है, क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस कहाँ पे करी जाती है, हमेशा लोअर लेवल मैनेजमेंट में। तो ये आप लोगों का लेवल वाइज आप लोगों ने सेगमेंटेशन करी है कि कौन सा फंक्शन जो है टॉप मैनेजमेंट परफॉर्म करती है, कौन से फंक्शन जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करती है, और कौन से ऐसे फंक्शन है जो लोअर लेवल के ऊपर परफॉर्म करे जाते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है प्लानिंग। फर्स्ट फंक्शन जो है मैनेजमेंट का वो परफॉर्म हम पढ़ेंगे। इन्होंने फर्स्ट लिखा हुआ है कि प्लानिंग में करते क्या है हम लोग, प्लान करना। तो प्लान किस चीज़ के बारे में करना, कि आप लोगों ने फ्यूचर में क्या काम करना है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरा कोई प्लान है कि हम फ्यूचर में जाके जो है सेल्स को इंक्रीज करेंगे बाय 10% और 10,000, या किसी भी तरीके से कोई भी आप टर्म ले लो कि फ्यूचर में हम लोगों ने सेल्स को इंक्रीज करना है, ये मेरा गोल है। तो गोल को अचीव करने के लिए मैं कैसे उस गोल को अचीव करने वाली हूँ, ठीक है, तो मेरे को प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग में क्या आएगा कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल अगर आप प्लान ये करोगे कि सेल्स को इंक्रीज करना है, तो आप बाय वन गेट वन ऑफर लगा दो ताकि लोग आपकी चीज़ें ज़्यादा खरीदें। सेकेंड मेरे पास ऑप्शन कौन सी है कि मैं डिस्काउंट कर देती हूँ, क्योंकि लोग सस्ती चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं तो मेरी जो सेल्स है वो क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। तो ये चीज़ आप क्या कर रहे हो, तो अब ध्यान से इस जो आपकी एग्जांपल है उसको ध्यान में रखते हुए ये लाइन पढ़ना, आउट ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन और डिसाइडिंग इन एडवांस द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। एक तो फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को आप लोग क्या करने वाले हो, यहाँ पे आप डिसाइड करोगे। सेकेंडली उन्होंने लिखा है कि फ्यूचर में जो करना है वो तो डिसाइड करोगे ही करोगे कि सेल्स को इंक्रीज करना है, कैसे करना है, पर इतने सारी ऑप्शन थी मेरे पास, या तो बाय वन गेट वन ऑफर करूँ, या मैं आप लोगों को डिस्काउंट ऑफर लगा दूँ, या किसी भी तरीके से मैं आप लोगों को जो है फ्री सैंपल दे दूँ। तो सेल्स इंक्रीज करनी थी ना, तो उनमें से मैंने सबसे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट, सबसे इजी जो मेरे को मेथड लगा, मैंने वो क्या करा, सिलेक्ट करा। तो ये अभी मैं सिर्फ डिसाइड कर रही हूं, मैंने सिर्फ सोचा है, इट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। यहां पे हम लोग लास्ट में भी पढ़ेंगे, यहां पे लिखा हुआ है, ये देखो ये क्या है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, मेंटल एक्टिविटी है। अभी आप लोगों ने एक्चुअल में कोई काम नहीं करा, जस्ट आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। आगे दोबारा से यहाँ पे लाइन को कंटिन्यू कर रही हूँ, द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीवमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड गोल। अब गोल्स जो हैं आप लोगों के, आपने उनको क्या करना है, अचीव करना है। अगर आपको याद होएगा तो फर्स्ट जब हम लोगों ने चैप्टर करा था मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट में हम लोगों ने उसकी मीनिंग, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को, कि मैनेजमेंट के मीनिंग में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि लोगों से काम करवाना है किस पर्पज़ के लिए, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तो ये प्लानिंग भी क्या है, मैनेजमेंट का ही तो फंक्शन है, तो इसका भी क्या है कि आपने प्लान करना है, पर किस पर्पज़ से, ताकि आपके गोल्स क्या हो जाने चाहिए, अचीव हो जाने चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने एक डेफिनेशन लिखी है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, काम करने के बाद नहीं, काम करने से पहले आप लोग एडवांस में पहले ये डिसाइड करोगे
व्हाट टू डू क्या करना है, व्हेन टू डू कब करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, कौन कब कैसे ये चीज़ें करेगा ये आप पहले से डिसाइड कर लेते हो. इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू बी. आज कहाँ पे हैं और फ्यूचर में 2 महीने बाद हम क्या अचीव करने वाले हैं, इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग. यहाँ पे इन्होंने जो चीज़ें हाईलाइट करी उनको एक बार देख लीजिए, वेज एंड मीन्स. ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं, कैसे कैसे उनको अचीव करना है. अब प्लानिंग करते क्यों हैं, ताकि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो सके, प्रॉपर यूटिलाइज हो सके, और एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज. देखो दोनों चीज़ों की बात करी है उन्होंने, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से हैं, हम लोग इम्प्लॉयज, सुपरवाइजर, मैनेजर्स, ताकि उनको भी प्रॉपरली आप लोग उनसे काम करवाओ, उनको वेजेस दो या सैलरीज दो. सेकेंडली नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, जिनकी मैं मशीन की बात कर सकती हूँ, पैसे. रिसोर्सेज नॉन ह्यूमन मतलब जो लोग नहीं है पर वो रिसोर्सेज हैं आपके, मैन मटेरियल आ जाएगा उसमें, सब कुछ आ जाएगा, तो आपने उनको भी प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, ताकि जो आपकी वेस्टेजेज हैं वो क्या हो सके, कम से कम हो सके. तो ये सारा आपका था प्लानिंग का. नेक्स्ट आपका आता है प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स ऑफ द कंपनी. फॉर एग्जाम्पल, गोल अभी हमने एग्जाम्पल में कौन सा सेट करा था, 10% से इनकी अपनी सेल्स क्या करनी है, इंक्रीज करनी है. सो प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स ऑफ द कंपनी, सेटिंग गोल ऑफ द कंपनी, इस्टेब्लिशिंग प्लान एंड स्ट्रैटेजीज टू अचीव दिस गोल. तो प्लान बनाना है, तो प्लान किसी भी तरीके से कोई भी आप बना सकते हो, ताकि आपका वो गोल क्या हो जाना चाहिए, अचीव हो जाना चाहिए. अभी अगर मैं दोबारा से आपकी यहाँ पे बात करूँ, उन्होंने लिखा है रीजन्स फॉर प्लानिंग, क्यों क्यों करते हैं हम लोग. सबसे पहले रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करने के लिए, अनसर्टेनिटी इन ऑपरेशन. आप फ्यूचर में कुछ भी करने वाले हो तो आपको नहीं पता फ्यूचर में फ्लड हो आ सकता है, ठीक है, कोई भी आपकी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से आपको लॉस हो सकता है. तो फ्यूचर को, जो अनसर्टन फ्यूचर है, उसके लिए मैं आज ही तैयारी कर लूँगी. एक तो मैं एक ही जगह पे अपना रॉ मटेरियल नहीं रखूँगी. फॉर एग्जांपल, एक ही जगह पे अगर एक ही गोडाउन में सारा आपका रॉ मटेरियल होएगा, तो अगर आग लगी वो सारा खराब हो सकता है, ठीक है, तो उसको मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रखूँगी. दूसरा, फ्यूचर में आप लोगों को नुकसान हो सकता है, तो आज क्या करोगे, ज़्यादा प्रोडक्शन कर लोगे, ताकि आपको लगता है फ्यूचर में अगर एकदम से सेल्स इंक्रीज कर गई तो उनको मीट आउट करने के लिए आपके पास सफिशियंट रॉ मटेरियल होना चाहिए. तो किसी भी तरीके से कोई भी आपके यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, आप उनसे पहले ही उनके लिए क्या बना लेते हो, प्लान बना लेते हो. ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, ओवरलैपिंग का मतलब यहां पे क्या है, ओवरलैपिंग का इन्होंने यहां पे ये बोला हुआ है कि ओवरलैपिंग यहां पे आ जाएगा कि एक काम आप लोग बार बार नहीं करोगे. बार बार कैसे नहीं होगा, अगर आपने पहले ही ये डिसाइड करा हुआ है कि कौन, राम कितना काम करेगा, श्याम कितना करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर क्या काम करेगा, या आपका सेल्स मैनेजर क्या काम करेगा, तो कहते हैं अगर पहले से ही आपने डिवीजन करी हुई है, सेगमेंटेशन करी हुई है, तो आपका एक काम दो दो बार रिपीट नहीं होएगा, आपके रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट नहीं होंगे, और लास्ट में वही अचीव ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो इन सब चीज़ों के लिए आप क्या करते हो, बेसिकली प्लानिंग करते हो. नेक्स्ट आपका आता है ऑर्गेनाइजिंग. प्लानिंग में तो हम लोगों ने जो फ्रेमवर्क था वो रेडी कर लिया, अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टार्ट करना है ऑर्गेनाइजिंग.